अब देखो, आप लोगों से एक रिलेशन पूछना है हमें, है ना। ये रिलेशन शायद हमें तो नहीं पता, तुम लोग बता देना। हमने कहा था रिलेशन याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। वो है वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन बच्चों बहुत छोटा है, लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। अच्छा, ये भी एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये भी एजियोट्रॉप बनाते हैं, दोनों ही एजियोट्रॉप बनाते हैं, तो दोनों के एजियोट्रॉप में फ़र्क क्या होगा? अच्छा देखिए, तो देखिए एजियोट्रॉप है क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्यूशन हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं एजियोट्रॉप। तो ए भी एजियोट्रॉप बनाते हैं, ए भी एजियोट्रॉप बनाते हैं। अब ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्यूशन होते हैं, तो एक का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आ जाता है और दूसरे का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आ जाता है। तो हमारा आपसे क्वेश्चन था कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्यूशन था, वो मिनिमम किसके केस में आएगा और मैक्सिमम किसके केस में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी तो आपने बोला इसका वेपर प्रेशर कैसा आता है, ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। इनका मैक्सिमम वेपर प्रेशर आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा? मिनिमम। और इसका आपका लेस आया ना वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? मैक्सिमम। ऐसे आप लोग भूलोगे नहीं, तो बच्चे रटते रहते हैं कि अरे मिनिमम वाला एजियोट्रॉप किस में था, मैक्सिमम वाला, कन्फ्यूजन हो गई। अरे आपको ये रिलेशन पता तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, अभी अभी देखा इसका वेपर प्रेशर राउल्ट के लॉ से ज़्यादा आ रहा था, तो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा आ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते ही लिखते याद करना, तुरंत पूछेंगे हम, जैसे ही लिखा वैसे ही पूछा हमने तुरंत, है ना। तो अगला पॉइंट लिखिए, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बच्चों आप अगर एजियोट्रॉप्स कभी भूल जाओ ना, तो आप लिख लेना फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग कांस्टेंट मिक्सचर, कांस्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। उसमें क्या लिखोगे? बहुत बढ़िया, दो पॉइंट याद हो गए, ज्यादा वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, खत्म। इसे याद, ज्यादा वेपर प्रेशर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, कम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। निकाल याद, चलो ठीक, इतने धीमे नहीं बोल रहे, हम भी ऐसे ही बोले का, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग हमने कौन तुमसे कहा है कि इतनी धीमे बोलो, पर ज़्यादा तेज भी ना बोली ना, डर गए भी हम। जीनत बोलती बहुत तेज, बोल के दिखाओ जीनत, सीधे हो आप। बच्चों अब हमारा एक क्वेश्चन है, डेल्टा एच मिक्सचर, और दूसरा क्वेश्चन है डेल्टा वी मिक्सचर। मिक्सचर नहीं लिखना, तो सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देखो एक तो ट्रिक वाली बात है, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आएगा, ये टेंशन खत्म। नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव, मतलब इसमें अगर आपने इन सॉल्यूशन को डाला, तो फिर टेस्ट ट्यूब को हाथ से नहीं पकड़ना है, टोंग से पकड़ना। टोंग जानते हो, वो कैंची जैसी या फिर आजकल होल्डर जैसी आने लगी, क्योंकि आपने मिलाया और टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, तो आप छोड़ दोगे तो टेस्ट ट्यूब फूट जाएगी। तो इनमें क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सचर होता है वो आता है पॉजिटिव, मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक प्रोसेस।
मतलब अगर आप ए वाले सोल्यूशन बनाओगे तो हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, हीट अपने आप आपकी इंक्रीज हो जाएगी सोल्यूशन की। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक। अब ऐसा आप कैसे समझ सकते हो, हम ऐसा आपको एक तो ट्रिक वाइज हो गई, पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है ठीक है। दूसरा आप ये समझ सकते हो कि ज़्यादा वेपर प्रेशर बना रहे ना, मतलब ये हीट को अच्छा अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब तो ये वेपर प्रेशर क्या बना रहे हैं, ज़्यादा, ऐसे समझ सकते हो। तो डेल्टा एच मिक्सचर इसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस, लिख लो थर्ड पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ना, कुछ लैंग्वेज नहीं लिखनी है। डेल्टा एच मिक्सचर होता है पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जब ये सोल्यूशन बनेंगे तो हीट अब्जॉर्ब्ड होगी भैया, और इस वाले में क्या लिखोगे, मतलब कौन सी प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया। तो इनका डेल्टा एच मिक्सचर होता है निगेटिव, आप लैंग्वेज में लिख लो बाई साइन लिख लो, और हीट निकलेगी। अच्छा हम थोड़ा सा गलत बोल रहे बच्चों, है ना, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो हीट अब्जॉर्ब होगी तो सोल्यूशन और ठंडा होता जाएगा आपका, जो हीट सराउंडिंग में है वो वहाँ अब्जॉर्ब, और इसमें हीट निकलेगी तो जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होती जाएगी, गर्म, है ना। तो ये एक्जोथर्मिक, इसमें टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, इसमें टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी, है ना। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव डेविएशन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, नेगेटिव डेविएशन द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। अब इसमें जो वॉल्यूम भी होता है ना वो पॉजिटिव आता है बाई ट्रिक। अब आप लोग बताओ हमें ऐसा, ये तो ट्रिक बाई बता दिया पॉजिटिव में पॉजिटिव, अब हमें समझाओ आप लोग इसका वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है। साफ साफ देख रहे हो आपकी वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो वेपर ज़्यादा बन रही होगी, और ज़्यादा वेपर मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, ज़्यादा कवर, तो पॉजिटिव होता है वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाओ, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, है ना बच्चों, ये लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस साइन का है, है ना, एक्सपेंशन फैलाओ, नहीं तो आप लिख लो वॉल्यूम इंक्रीजेज, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते थे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, और जीरो के ऊपर कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे डेल्टा भी एक ग्रेटर देन जीरो, और उसमें लेसर देन जीरो लिख सकते थे ना। चलो ये वाला खुद लिख के दिखाओ, ये वाला हमें याद नहीं आ रहा, चार पॉइंट याद तो नहीं हो गए तुम लोगों को, नेगेटिव मतलब सिकुड़ जाएगा वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, या आप लिख लीजिए वॉल्यूम डिक्रीजेज। बच्चों जो भी लिखना सही लिखना, भाषा तो आप अपनी लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, मोर वेपर प्रेशर देन आउट फ्लो, लेस वेपर प्रेशर देन डायरेक्ट फ्लो, मोर वेपर प्रेशर मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, लेस वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिव कर दो। एक लास्ट पॉइंट और बचा है और फिर आ जाएगी एग्जाम्पल की बारी, एग्जाम्पल हम भूल गए पूरे, अब आप लोगों से आते हो तो लिख लेना, हमें तो नहीं आते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अब जो अब इसका है पॉइंट नंबर फिफ्थ, फॉर सच सल्यूशन, तीन नंबर से ज़्यादा नहीं आता है बच्चों, ये है ना,
आपको इतना याद हो जाएगा कि तीन नंबर तो आप साइड में लिखाओगे फॉर सच सल्यूशन। अब आप लोग बताना थोड़ा सा, ठीक है, जब इन सल्यूशन को बनाया आपने, मतलब ये बन गया सल्यूशन, तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो ए ए एंड बी बी, अभी से बताना लिखना बाद में, मतलब जब आपने ए ए को मिक्स किया मतलब सॉल्वेंट को मिक्स किया और बी बी को मिक्स किया मतलब सल्यूट को, तो ये आपस में रिएक्ट करने लगे और बनने लगे ए बी। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, जब ये ए बी बनेगा तो इसके बीच में इंटरैक्शन ज़्यादा होगी इनसे कि कम होगी? लगाओ अपना अपना दिमाग, कम होगी। और लगाओ दिमाग, बताओ विजेता आप बताओ, कम होगी कि ज़्यादा? अगर ज़्यादा इंटरैक्शन होगी तो और पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर कम इंटरैक्शन होगी तो दूर दूर जाएंगे। तो आपने अभी अभी देखा बिल्कुल सरल तरीके से, इनमें ज़्यादा वेपर बनी थी ना, ज़्यादा वेपर तभी बन सकती है जब इनके बीच में इंटरैक्शन कम हो। अगर इंटरैक्शन ज़्यादा होती तो फिर ये और पास पास आते तो वेपर क्या होती, कम बनती, मतलब बहुत तेज़ी से पकड़ लेते। और देखो आपने लिखा वॉल्यूम इनमें पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब सीधा है जब इन दोनों को आप मिला रहे हो तो इनके बीच, जब इन दोनों को आप मिला रहे हो तो ये जो बन रहा होगा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी, और डिस्टेंस बढ़ रही होगी मतलब इंटरेक्शन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? रटने, हर चीज़ को रटोगे तो एक बार कन्फ्यूजन होगा, रटते समय याद जरूर रखो। हमने देखा इसमें ज़्यादा वेपर प्रेशर बनी, मतलब ऐसे सल्यूशन में वेपर ज़्यादा बन रही थी, वेपर तभी ज़्यादा बन सकती है जब इसके बीच में ए और बी के बीच में फोर्सेस कम हो, क्योंकि अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो गए, ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो गए इनके बीच में तो फिर ये टूटेंगे नहीं और वेपर कम आपकी ज़्यादा नहीं बन पाएंगी। लेकिन वेपर ज़्यादा बन रही है, वेपर ज़्यादा बन रही है इसका सीधा सा मतलब है कि सल्यूशन में इंटरेक्शन क्या है, कम है। किससे? कंपोनेंट से। तो फोर्सेस सल्यूशन ए बी इंटरैक्शन, ए बी इंटरैक्शन, इंटरैक्शन लेस होगी कि ग्रेट होगी? लेस होगी, इंटरैक्शन लेसर, ए बी इंटरैक्शन लेसर किससे? ए ए एंड बी बी इंटरैक्शन, एंड बी बी इंटरैक्शन। है ना? बताओगे क्या ए क्या है? सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया। और बी क्या है? बहुत बढ़िया। है ना बच्चों, याद करने के साथ समझना भी है। चलो उसका खुद लिख के दिखाओ। उसमें वेपर कम बन रही है मतलब इंटरैक्शन क्या हो रही है, कर लो फिर आप लोग। जैसे एक साइड आपने बता दिया ना ए सॉल्वेंट है बी सल्यूट है, तो दूसरे साइड ना बताओ तो भी चल जाएगा। फॉर सच सल्यूशन, आयरा क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। नैन्सी तुम्हें रटना तो याद तो करना है, लेकिन कोई पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। फॉर सच सल्यूशन जो ए और बी के बीच में इंटरैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू ए एंड बी बी, तो ए बी इंटरैक्शन, ए बी इंटरैक्शन ग्रेटर है आपकी ए ए एंड बी बी इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन। बच्चों लो सब पॉइंट ख़त्म हो गए, बचे ही नहीं अब पॉइंट, पूरा याद हो गया। अब भैया एग्जाम्पल खुद लिख के दिखाओ, सब लोग अपने मन से एग्जाम्पल लिखो।
छठवा पॉइंट डाल के एग्जाम्पल स्वयं लिखो, हमें नहीं पता ना हमें पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल पता ना हमें नेगेटिव डेविएशन भी पता, दोनों ही नॉन आइडियल हैं। एग्जाम्पल बच्चों खुद लिख के दिखाओ, तो पॉजिटिव वाले में एल्कोहल प्लस, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि एल्कोहल प्लस वाटर इसमें? तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो नॉन आइडियल के भी एग्जाम्पल हो गए एल्कोहल, और लिखना हो तो और लिख लो, और क्या है एसीटोन प्लस वाटर, नहीं एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एसीटोन प्लस बोलो एथिल एथिल एल्कोहल। पेज पूरे नहीं पलट रहा होगा बेटा, अब इसके एग्जाम्पल बताएगी हमें मनु। चलो मनु बताओ, नहीं पलटा पेज, बताओ नेगेटिव वाले की क्या हो जाएंगे, एसिड प्लस वाटर। लिखते लिखते याद करना है मनु, ऐसे नहीं करना है, लिखते लिखते याद करना है। HNO3 प्लस H2, अभी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएंगे, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन के ही एग्जाम्पल आ जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता है, नेगेटिव डेविएशन, तो ये एग्जाम्पल आ जाएंगे। और अगर लिखना है तो एसीटोन प्लस एनिलीन, बहुत बढ़िया। अच्छो एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर याद करना है, है ना, इसमें आप सबसे बढ़िया हमने बताया एल्कोहल प्लस वाटर के एग्जाम्पल याद रखो इसमें, और उसमें एसिड प्लस वाटर के, और जैसे बोल दे तो क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर। चलो अच्छो एक मिनट दिया, एक मिनट में याद करके बताओ, चलो फिर ग्राफ बनाते हैं, एक मिनट स्टार्ट हो गया।